हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम आज हाजिर हूँ फिर से आप सबके लिए मैथ का एक नया टॉपिक लेकर। मैथ के इस टॉपिक में, आज के नए टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न। आपका ये चौथा पार्ट होने वाला है मैथ का। मैथ का ये चौथा पार्ट है जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ भिन्न क्या चीज होता है, भिन्न के बारे में किस प्रकार से यहाँ पे अवधारणाएं मिलेंगी, सवालें कैसे बना करती हैं, भिन्न को हल कैसे करते हैं, भिन्न के बारे में सब कुछ यहाँ पे पढ़ा जाएगा। सारी की सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि कंपटीशन के एग्जाम में मैथ में भिन्न का क्या रोल रहता है और किस प्रकार से मैथ अपने रोल को प्ले करता है। दोस्तों, यहाँ पे आज की क्लास नंबर 19, यहाँ 20 है, 19 क्लास हम लोग ले चुके हैं। आज 20वीं क्लास में भिन्न का की बारी आ गई है। भिन्न आज पहली क्लास में लेने वाला हूँ। आज की मतलब भिन्न की पहली क्लास है आज, और इससे पहले भिन्न नहीं पढ़ा गया है, भिन्न आज पहले मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ फिर से कहूंगा कि अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपके साथ जो भी प्रिपरेशन कराने का हम सबका स्ट्रेटजी बनेगा उसके साथ आप लोग सहयोग दे सके और बेहतर से बेहतर काम कर सके। अगर आप यूपी गवर्नमेंट की या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। मैथ के इस अनंत पथ पर मैं चलने के तैयार हूँ। आप सब अपना साथ देने के तैयार हो जाओ। केवल अपना साथ दीजिए, अपने सपनों का साथ दीजिए और शुरुआत कर दीजिए टेक्निकल विद एसएस के साथ मैथ पढ़ना। मैथ एकदम आसान से आसान हो जाएगा, ये बात की मैं दावा करता हूँ। तो फिलहाल आपको मैथ पढ़ने के लिए यहाँ पे ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। केवल आप टेक्निकल विद एसएस का सपोर्ट बना के रखें, इसके साथ रहें और जिस हिसाब से सिलेबस चल रहा है आने वाले बहुत जल्द समय में हम लोग मैथ को पूरा कवर करेंगे, एक नॉर्मल सा सिलेबस, बाकी फिर एडवांस में पढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक का। टॉपिक हमारे पास है भिन्न। देखिएगा भिन्न को किस लेवल का यहाँ पढ़ेंगे, मैथ में भिन्न का क्या रोल होता है, भिन्न किस तरह से रोल प्ले करेगा उसके बारे में जानिएगा। जैसे भिन्न के बारे में अगर सबसे अहम बात हो, बहुत ज्यादा विशेष जानकारी यहाँ पे प्रिपरेशन के स्तर पे आपको सवाल की टेक्निक पता होनी चाहिए, सवाल का तरीका पता होना चाहिए। यहाँ बहुत ज्यादा ये ना सोचो कि सम भिन्न कितने प्रकार का होगा, सम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, या फिर कुछ ऐसी बातें यहाँ बहुत ज्यादा इसकी मायने नहीं रखती है। फिलहाल आपको यहाँ पे मैं भिन्न का कुछ बहुत मूल पार्ट बताऊंगा, कुछ मूल रूप से भिन्न के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो भिन्न के बारे में आपको कहूँ तो भिन्न यहाँ पे तीन रूपों में मिला करता है। भिन्न का जो होगा तीन स्वरूप होगा, एक हमारे पास क्या होगा नॉर्मल सी, दूसरा भिन्न यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे तीसरा पार्ट लेंगे, ठीक है। तो भिन्न जो होगा यहाँ तीन स्वरूप में होगा। पहला क्या होगा हमारे पास, साधारण भिन्न होगा। कौन सा? साधारण भिन्न होगा। यहाँ पे अगला जो भिन्न होगा वो दशमलव भिन्न हो जाएगा, आप कह सकते हैं। कौन सा? दशमलव भिन्न। और उसके बाद जो मिलेगा वो आपका आएगा यहाँ पे वितत भिन्न। कौन सा? ये वितत भिन्न की बात कर रहा हूँ। ये वितत भिन्न कैसा होगा मैं समझाऊंगा सारी बातों को। और साधारण भिन्न में ही आप यहाँ पे क्या पाएंगे, कभी कभी साधारण भिन्न के बाद यहाँ पे नया भिन्न आप मिश्र भिन्न पाते हैं, तो आप चौथा पार्ट मिश्र भिन्न कह सकते हैं, मिश्र भिन्न या फिर मिश्रित भिन्न उसका नाम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चार प्रकार होगा। फिलहाल यहाँ पे मैं वितत भिन्न बना के मिश्र भिन्न के वो किसी नाम में ना कहकर वैसे आपको समझा दूंगा कि मिश्र भिन्न किस रूप का होता है। तो फिलहाल साधारण भिन्न में एक नॉर्मल सी बात होगी, 4/5 है, कुछ भी ऐसे लिखेंगे, 7/4 है, ये सब भिन्न हमारे क्या होंगे, दोनों साधारण भिन्न लिखेंगे। दशमलव भिन्न में क्या होता है, किसी भी भिन्न का मान दशमलव के रूप में अगर हम लोग बदल देते हैं उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसे 4.5 है, ये हमारा दशमलव भिन्न कहलाएगा। इसको लिख सकते हैं 4/5, 45/10 भी कह सकते हैं। इसको अगर दशमलव हटा कर लिखे तो ये इस स्वरूप का होगा। फिलहाल 4.5 क्या था, दशमलव भिन्न कहलाया करता है, ठीक है। वितत भिन्न के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। वितत भिन्न में कोई खास स्वरूप नहीं होता है जिसका अंश भी भिन्नात्मक हो और हर में भी कई पद भिन्न के रूप में लिखे गए हों, उसे वितत भिन्न कहते हैं। जिसमें अंश और हर का कोई फिक्स निश्चित स्वरूप ना हो, कोई परिभाषित स्वरूप ना हो, उसे वितत भिन्न कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे क्या कर दिया जाए, 4+1/1+2/3 है, यहाँ पे आप देख लीजिए हर में क्या है, भिन्न एक बना हुआ है। फिर यहाँ पे 3+ में यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिएगा 3 और प्लस में यहाँ पे ऐसा कुछ कर दे रहा हूं मैं, अब देखना ये ऐसा यहाँ पूरा का बट्टा करेंगे बड़ा सा, 1+1/4 होगा। यहाँ पे भी यहाँ इसको भी बट्टा को बड़ा कर देंगे,
वन प्लस में क्या होगा, वन अपॉन में थ्री। इस तरह से जो भिन्न की व्यवस्था बनी होती है आप देखे होंगे कभी सवालों में, ये हमारा वितत भिन्न के अंदर आया करता है। रही बात मिश्रित भिन्न के बारे में बात करूं, तो मिश्रित भिन्न आपका जो होता है, मिश्रित भिन्न कहिए या फिर मिश्र भिन्न कहिए, दोनों एक ही बात होगा। मिश्रित भिन्न में क्या होगा, कोई भी भिन्न के साथ भिन्नात्मक संख्या के साथ एक यहाँ पूर्णांक में पद भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा लगा देता हूँ तीन, तो इसको कहेंगे तीन सही चार बट्टा पांच कहा करेंगे, ठीक है। थ्री होल ऑफ फोर फाइव होगा, फोर ओवर फाइव कहते हैं, कुछ भी कहिए सब सही होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, सरलतम रूप कैसे लिखते हैं, पांच या पंद्रह इसके इससे गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं और फिर जो आएगा वो बट्टा में वही भिन्न के जो हर पहले था वही हर के साथ हम लोग भिन्न बनाते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे, पांच या पंद्रह चार उन्नीस बट्टा में कितना होगा, पांच होगा। ये मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बनने बदलने का तरीका होगा, और साधारण भिन्न को भाग देने पर जो शेषफल आता है शेषफल के रूप में व्यक्त करना ही हमारा क्या होगा, मिश्र भिन्न कहलाएगा। और इसको हम लोग फिर से वही काम कर दें, इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं इसका इससे गुणा करके जोड़कर, ठीक है। इस तरह से बात करेंगे और यहाँ पे सवाल है हमारे लगाते समय मिश्रित भिन्न का अहम रोल रहता है, बहुत सारी जगह पे मिश्रित भिन्न ही दिया है दिया हुआ होता है, ठीक है। ये सब मिलेंगे आपको भिन्न को हल करते समय, और बाकी विशेष रूप से आपको भिन्न हल करने का तरीका सिखाऊंगा, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग भी आप देख लीजिए, फिर उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है तो थोड़ा आप कुछ क्षण आप थोड़ा यहाँ गौर फरमाइए और आपको जोड़ घटाव गुणा भाग यहाँ पे पता चल जाएगा भिन्न को कैसे करते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग करना नहीं आता है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कुछ देर तक, आप यहाँ पे गौर करिएगा। जैसे क्या कह दिया जाए, अगर भिन्न है हमारे पास, भिन्न का जोड़ने की बात करेंगे, भिन्न का जोड़ कैसे होता है वो आप सीखिएगा कैसे होता है। यहाँ पर भिन्न का जोड़ दो स्वरूप में होगा, तीन तरह से लगाते हैं और दो तरह की सवालें यहाँ होती हैं। मिश्रित भिन्न को छोड़ के बता रहा हूँ, जैसे क्या ऐसा भिन्न जिसका हर बराबर हो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। हर बराबर होने का मतलब अगर कहा जाए चार बटा पांच है और प्लस में छह बटा पांच है या कुछ भी यहाँ सात बटा पांच, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है जिसमें हर का मान क्या है समान रहेगा, तो जोड़ना घटाना में एक ही बात होगा कि हर के मान को यहाँ पे समान है तो इसको लिख देंगे, बाकी अंश को जोड़ घटा लेते हैं, बस जोड़ना होगा जोड़ लेंगे, घटाना होगा तो अंश के मानों को घटा लेंगे आपस में, और जो कुछ भी होगा एक बार हर के साथ लिख देंगे। जैसे सात चार क्या होगा ग्यारह बटा में एक बार पांच लिख देंगे, काम हो जाएगा। अंश के मान को जोड़ लेते हैं या फिर घटा लेते हैं, बाकी हर के मान को एक बार लिख देते हैं, बस हर के मान में जोड़ना घटाना नहीं होता है, यही आपका क्या होगा समान हर होने पर जोड़ने की प्रक्रिया होती है। समान हर होने पर जोड़ने की प्रक्रिया में आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ और मैं दिखाता हूँ। छह बट्टा यहाँ पे चार हो जाएगा प्लस यहाँ पे तीन बट्टा में चार है, हर का मान दोनों में समान है, हर का मान दोनों में समान है, क्या करेंगे आप अंश को जोड़ लेंगे, छह तीन नौ बट्टा कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, यही आपको भी आपका हर होगा मतलब आपका भिन्न होगा, यही भिन्न हल करने का तरीका होगा। इस तरह से भिन्न को लगाते हैं, जब हर का मान समान होगा तो आप जोड़ना होगा जोड़ लेंगे, घटाना होगा घटा लेंगे और आपका काम बन जाएगा। फिलहाल गुणा भाग में भिन्न के हर के मान समान होने से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रक्रिया दोनों तरह समान रहती है दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए मैंने समान हर होने की बात कह लिया, घटाव में भी वही प्रक्रिया होगी, आप घटाना होगा घटा लेंगे जोड़ना होगा जोड़ लेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा, जोड़ना घटाना समान रूप से होगा। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जिसका हर अलग अलग हो, हर का मान समान नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब उसकी भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल देखकर कैसे करेंगे, जब हर का मान समान नहीं होगा तब कैसे होता है। जैसे चार बट्टा में यहाँ लिख रहा हूँ सात प्लस में यहाँ पे दो बट्टा में लिख रहा हूँ चार, यहाँ हर का मान समान नहीं है, कुछ भी अगर आपको नंबर बदलना हो कहोगे कट जाएगा, आप तो नहीं कटेगा ना, अब यहाँ बना देंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या नहीं है इसमें, यहाँ पे चार बट्टा सात है प्लस तीन बट्टा चार है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, या तो लासा वाला विधि अपने मन में बैठाइए या फिर तिरछा गुणा करके, तिरछा गुणा विधि से लोग कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से जोड़ कैसे होता है आप सीखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हर का आपस में गुणा करेंगे, हर बनाएंगे सात चौके अट्ठाईस हो गया, इतनी सी बात थी। अब इसका इस हर का इस अंश से गुणा करेंगे, इसे तिरछा गुणा कहते हैं, तिरछा गुणा कहते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चार चौके कितना होगा सोलह हो जाएगा, प्लस में सात या कितना होगा इक्कीस होगा, तिरह गुणा करेंगे इस हर का इस अंश में, इस हर का इस अंश में, जिधर अंश की दिशा होगी वही हमारा पद लिखा जाएगा, अंश यहाँ ऊपर था ऊपर आगे लिखा हूँ, अंश यहाँ पीछे था तीन यहाँ तीन, को तीन वाला गुणा करने पे पीछे लिखा गया, ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो चार छह को सोलह होगा, सात या इक्कीस होगा, सोलह इक्कीस को क्या करना है जोड़ना है, जोड़ दीजिए छह एक सात हो जाएगा और दो एक तीन होगा सैंतीस बटा में
28 पाएंगे। सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हर कमान अलग अलग रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 13 गुणा विधि से आप काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 13 गुणा विधि ना करना हो तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं लासा विधि से। तो लासा विधि से कैसे करेंगे वो भी आप देखिएगा। हाँ मुझे पता है कि मैं भिन्न को थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप सबके लिए भिन्न कोई नई बात नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे ये कोई भी नया चीज नहीं सिखाया जा रहा है, ये क्लासिक 7-8 तक आप खूब अच्छे से सीखे हो, इसलिए थोड़ा सा तेज काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगला तरीका दूसरा क्या होगा, अगर आपके पास हर कमान हर का लासा लेने का प्रयास करो तो काम करोगे। और यहाँ पे जोड़ना घटाने में समान चीज होता है, समान प्रक्रिया होती है, इसलिए केवल मैं जोड़ बता रहा हूँ, घटाव के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे क्या करेंगे, जैसे अगर आपके पास होगा यहाँ पे 5/3 में यहाँ 3 लिख देता हूँ, यहाँ प्लस में 4/9 है, इस प्रकार से अगर बात हो जाए या फिर 6 ही कर दे ना, यहाँ पे 7/6 हो जाए, इस प्रकार यहाँ पे कोई नंबर है इसका क्या करना है, जोड़ निकालना है। तो जोड़ के लिए क्या करेंगे, 3 और 6 का लासा लेंगे। हर का लासा विधि से कैसे करेंगे काम तो उसको भी आप देख लीजिए। 13 गुणा में आप लोग गुणा डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ, लेकिन लासा में गुणा नहीं होता है। 6 और 3 का लासा कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लासा तो हो गया, लासा हर का निकालेंगे तो हर में लिख देते हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस हर का इस लासा में भाग करेंगे, 3 दुना 6 2 बार जाएगा, और 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 5 6 कितना होगा, 10 होगा। प्लस में यहाँ पे 6 एकम 6 एक बार जाएगा, 1 का 7 से करेंगे, 7 एकम 7 होगगा, 10 7 कितना बनेगा, 17/6। यही काम अगर घटाव के लिए होता हम लोग यहाँ घटा देते, जोड़ के लिए है तो जोड़ देंगे, आराम से काम कर लेंगे। 17/6 क्या होगा, आपके सवाल का सही उत्तर होगा। अगर आपको गुणा करना होगा 13 गुणा करके लगाते 6 3 यहाँ नीचे 18 आता, फिर बाद में आपको काटना पड़ता, सिंप्लीफाई करने के लिए प्रक्रिया करनी पड़ेगी, आपको उससे गुजरना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लासा लेना भी आप बेहतर समझ सकते हैं, अगर इनका लासा निकल रहा हो तो। अगर इनमें से कोई उभनिश गुणनखंड रहेगा तो लासा जरूर लेने का प्रयास करेंगे, और लासा निकल रहा है तो आप काम जरूर करेंगे। तो ये था आपका जोड़ना, जोड़ने का तरीका, भिन्न को किस तरह से जोड़ते हैं, लासा विधि से, तृतीय गुणा विधि से, और हर का मान समान होगा तब कैसे जोड़ते हैं, दोनों तीनों तरीकों को मैंने बताया। यही काम घटाव में हो, घटाव के लिए कोई अलग विधि नहीं आती है, कोई भी नया तरीका नहीं, बस हाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का हम लोग चिन्ह लगाते हैं उत्तर में, बस इतनी सी बात ख्याल रखते हैं घटाव के केस में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपको गुणा में सिखा रहा हूँ, गुणा भाग थोड़ा सा देखिएगा, गुणा भाग सीख लीजिए, फिर काम करते हैं भिन्न पर, भिन्न पे वास्तविक रूप में काम करें और फिर सवाल लगाए हम लोग, बेहतर से बेहतर सवाल आज लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर लासा के अगर आगे बात करें गुणा भाग कैसा होता है भिन्न का, तो जैसे 4/5 लिखा हूँ, गुणा में 3/6 है, कुछ भी ऐसे लिख देंगे। अगर आपको मन कर रहा हो तो सिंप्लीफाई कर लीजिए यहीं पे, ऐसे इसकी बात इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा तो इससे कटे कम ना, या फिर ना कटे, 7/6 हो जाएगा, इस तरह से बात की गई है। तो 4/5 है, 7/6 है, ये हमारे पास भिन्न है। इस भिन्न का करना है गुणा, गुणा में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा काम करेंगे, ऊपर का अंश का हर से हर का अंश को हम लोग काट सकते हैं, चाहे इसका आंसर हो चाहे इसका आंसर हो, हर को अंश से अंश को हर को, और अंश को हर से हर को अंश से, जिससे मन करेगा हम लोग काट सकते हैं, ऊपर को ऊपर से, या फिर कह सकते हो अंश को अंश से हर को हर से नहीं काटते हैं, इसको इससे नहीं काट सकते, कभी भी ऊपर को नीचे से काट सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, 2 2 4 होगा, 2 3 6 होगा, तो यहाँ अंश में 2 बचा, 7 2 कितना हो जाएगा, सामने सामने गुणा कर लेंगे 14 होगा, और 5 6 कितना होगा, 15। तो 15/14 क्या होगा, आपके सवाल का सही उत्तर होगा। इस तरह से आप काम करेंगे गुणा के लिए। गुणा में अगर आपका सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप सामने सामने गुणा करेंगे, अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा, ठीक। ये चीज होता है गुणा के लिए। गुणा में कोई और भी पद अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको सवाल बहुत मिलेगी, आपको मैं आगे भी सवाल देता रहूंगा, उनमें से आप गुणा भाग करने के लिए यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। भाग करना उसी का तो क्या करेंगे, इसे 3/7 है, भाग करना है 6/5 है। इस तरह से सवाल का भाग करने के लिए क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं आप, सामने सामने का यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, भाग कर सकते हैं, फिर तिरछा गुणा करके उत्तर लिखिए। कुछ लोग ज्यादा भी जैसा भी जिनको आता हो अपना अच्छे से काम करें। फिलहाल यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ भाग का मतलब क्या करिएगा, 3/7 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा के बाद भाग की संख्या के भाग के बाद यहाँ पे भाग के चिन्ह के बाद जो पद थे उन पद को हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, 6/5 था 5/6 कर देंगे, जब यहाँ गुणा लगा के आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ भाग के जगह गुणा लगाएंगे तो यहाँ पे आगे के पद बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, और इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई करके गुणा के रूप में काम कर लेंगे। 3 एकम 3 2 3 6 हो जाएगा, ऊपर 5 बचा है, नीचे 7 2 कितना बन जाएगा, 14। 5/14 जो आएगा आपके सवाल का भागफल आएगा। इस तरह से आप बात करेंगे, कभी भी
जहां भाग लगा होगा वहां गुणा लगा के आगे के चिन्ह के आगे की संख्या को चिन्ह के बाद की संख्या को पलट देते हैं और हम लोग को अब गुणा बन चुका है, गुणा लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। और इस तरह से गुणा भाग जोड़ घटाना सब काम होता है। तो जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए कुछ इन विधियों का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अच्छे से भाग को, गुणा को, जोड़ को, घटाव को लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? सारी बातें अगर समझ में आई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा या फिर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नए सवाल लेकर और करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसकी चिंता आप ना करें, आगे आने वाले सवालों में ऐसा जोड़ना घटाना गुणा भाग करना तो लगा रहेगा, ठीक है? वहां से आप सीख पाएंगे। यहाँ पे आगे मैं आपको कुछ और सिखाने वाला हूँ, भिन्न के बारे में कुछ नया सा मिलने वाला है, तो आप देखिए भिन्न के बारे में और क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग भिन्न के बारे में कुछ नया आपको क्या मिलने वाला है। आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे कोई भिन्न हो, एक दो तीन चार कई भिन्न दिए हो, तो भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, मतलब कि भिन्न में कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, इसका क्लियरिटी कैसे निकालते हैं, इसका निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, वो चीज आपको सिखाने वाला हूँ। तो भिन्नों की तुलना का मतलब यह टॉपिक हो सकता है कि भिन्नों की तुलना के बारे में कह सकते हैं कि भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, ठीक है? भिन्नों की तुलना ये टॉपिक होगा, उसमें कहेंगे भिन्नों की तुलना के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए कई रूप होते हैं, जैसे आपको यही बताने वाला हूँ, देखिएगा समझिएगा काम करेंगे हम लोग सब मिलके। जैसे यहाँ पे कुछ नया मैं दो चार भिन्न लिख रहा हूँ, जैसे दो बटा तीन है कॉमा चार बटा कुछ भी कर दीजिए पांच है और फिर कह लें क्या तीन बटा चार, ये सब भिन्न है ना, ऐसे मैंने तीन भिन्न लिखा है। इन तीनों भिन्न में कह रहे हैं बड़ा भिन्न कौन होगा, छोटा भिन्न कौन होगा, ऐसा निकालना है। तो इस तरह से यहाँ पे काम करेंगे इसको, या फिर कह सकते हैं आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, सबसे बड़ा भिन्न बताइए, छोटा भिन्न बताइए, इस तरह से बातें आएंगी। तो इसमें भी जो सवालें होती है वो अगर कहें तो फिलहाल तीन टाइप के सवाल होती है, सवाल का टाइप तीन होता है, लगाते कई तरीके से लगाते भी हम लोग जिस तरीके से लगाएंगे बताएंगे, लेकिन तीनों टाइप का पहले देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हर का मान समान हो, पहला टॉपिक क्या होगा, पहला टाइप है यहाँ पे कि अगर हर का मान समान हो तो क्या करने वाले हो। चार बटा यहाँ पे मैं नौ लिख दूंगा, पांच बटा नौ है, ठीक है, और सात बटा नौ है, इस तरह से बात है। तो हर का मान दोनों में तीनों में समान है, और भी दो चार लिखना चाहें लिख सकते हैं, आठ बटा नौ है, इस तरह से बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हर का मान सब में समान है, तो हर का मान समान होने के दौरान, हर का मान समान होने के दौरान जो भिन्न का अंश बड़ा तो वो भिन्न बड़ा, जो भिन्न का अंश बड़ा तो वो भिन्न बड़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा उस भिन्न का मान छोटा। ये चीज आप समझिएगा, हर का मान अगर समान रहेगा तो भिन्न का अगर अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, भिन्न का हर अंश छोटा तो भिन्न छोटा। ये चीज आपको समझना है, अगर भिन्न का हर का मान समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा, ये चीज आप जान के रखेंगे। तो कभी भी समान हर के दौरान क्या होगा, बड़े वाले भिन्न का जो बड़ा अंश होगा वो मान बड़ा होगा, जो छोटा अंश होगा वो मान क्या कहलाएगा, छोटा कहलाएगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, इसका यहाँ पे एक ही रूल है, अगर अंश अगर हर का मान बराबर है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा। ये चीज आपको करना है, सीखना है, जानना है। अगला जो टॉपिक होगा दूसरा होगा, इसमें क्या करें, मान लीजिए अंश बराबर हो, अगर अंश बराबर हो तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ 12 बटा में 5 कहूंगा और 12 बटा 7 हो जाएगा और 12 बटा यहाँ पे 9 कह देंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं, आपका जो मन हो एक आधो और ले सकते हैं, 12 बटा 10 होगा। किसी को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं अभी हम, सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब भी नहीं है, अगर हो जाएगा थोड़ा छोटा लग जाएगा और आपका अंश का मान जो समान है वो समान नहीं रह पाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर अंश का मान बड़ा है, अंश का मान बड़ा है, बराबर है, अगर अंश का मान बराबर है तो आप समझेंगे कि जो भिन्न का हर छोटा है वो तो भिन्न बड़ा कहलाएगा, भिन्न का हर छोटा है तो भिन्न बड़ा कहलाएगा, भिन्न का हर बड़ा है तो भिन्न छोटा कहलाएगा। कैसे समझा रहा हूं, जैसे यहाँ 12 को 5 भागों में बांट रहे हैं, 12 को 7 भाग बांटेंगे, 12 को 9 भागों में बांटेंगे, 12 को 10 भागों में बांटेंगे, अब 10 भागों में बांटने पे छोटा हो जाएगा बहुत ज्यादा मान, और 12 को यहाँ 5 भाग बांट रहे कम बांट रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मान बड़े बड़े आएंगे। तो यहाँ वाला भिन्न क्या होगा, ये वाला भिन्न बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, इस तरह से बात होगी। तो यहाँ पे अंश का मान अगर बराबर हो तो हर छोटा तो भिन्न बड़ा, हर बड़ा तो भिन्न छोटा, बिल्कुल व्युत्क्रम का काम होगा। यहाँ पे अंश का मान बराबर आ जाए
तो उल्टा लेते हैं, अगर भिन्न का में हर का मान अगर बड़ा है तो क्या होगा, भिन्न का मान छोटा होगा, हर का मान छोटा है तो भिन्न का मान बड़ा मिलेगा, ये चीज होता है। यही उल्टा उसमें पहले वाले में क्या था, अगर हर का मान बराबर हो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा, ये चीज आपको सीखना था। यहाँ पे दोनों बातों में मैंने दोनों केस में ला के दिखाया कि आपको किस तरह से बात करना है, किस तरह से आपको बात व्यवहार बात व्यवस्था बनाना है, ठीक है, ये इसका क्या है तरीका है। आगे बढ़े तो हमारे पास अगला टॉपिक आएगा, अगर मान लीजिए भिन्न में ना अंश बड़ा ना हर बड़ा, ना अंश बराबर ना हर बराबर, मतलब सब कुछ अलग अलग है, भिन्न का अंश भी हर सब कुछ अलग है, किसी का कोई बराबर ना हो, उस दौरान आप कैसे एवेलुएट करेंगे, कैसे यहाँ बताएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, उसका चक्कर क्या पालेंगे मैं बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ नंबर लेके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जरा सा लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये जो नंबर आएगा जैसे कि 2/5 है पहली संख्या है, दूसरी संख्या ले रहा हूँ 3/20 हो जाएगा, बड़े नंबर कोई दिक्कत नहीं है, और फिर यहाँ पे 7/15 है, 7/15 इस तरह से बात करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ अंश और हर किसी में कोई बराबर नहीं है, किस तरह से आप काम करेंगे, तो यहाँ पे अगर अंश हर का मान कुछ भी नहीं है बराबर बराबर, तो छोटा सा काम यह करेंगे, आपके पास दो तरीका तब होता है। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीका है, अगर अंश और हर का मान किसी में कोई बराबरी नहीं है तो यहाँ पर आप, यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं भिन्न को छोटा बड़ा दिखाने के लिए। एक काम यह कर सकते हैं आप, भाग कर लें, सभी को आपस में भाग कर लें, भाग करने के बाद जो नंबर आएगा पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, पहला तरीका हुआ। दूसरा क्या होगा, इसको लासा विधि से इसको हल करें, क्या करेंगे मैं समझा रहा हूँ, लासा वाला थोड़ा ध्यान देंगे, लासा वाला ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा जगह देख के फिर काम करता हूँ। लासा वाला ध्यान देंगे, आपको क्या करना होगा, सब में हर का लासा लीजिए, हर में क्या है 5 है और क्या है 20 है और क्या है 15 है, लासा लेंगे 5 का गुणनखंड 5 आएगा, 20 के लिए क्या होगा 5×20 हो जाएगा, और यहाँ 15 के लिए क्या होगा 5×3 होगा, इस तरह से इनका गुणनखंड कर दिया हूँ, और 5 सब में शामिल है तो 5 आ जाएगा, 4 होगा 3 होगा, 5×20 किया कितना आएगा 60, क्या होगा आपका लासा आएगा, लासा का मान 60 आएगा। आपको छोटा सा काम करना है, 2/5 3/20 और यहाँ 7/15 में सबका हर का मान 60 बनाना है, हर का मान इस लासा के बराबर बनाना होता है, हर का मान 60 बनाने के लिए आपको अंश हर में जिससे भी गुणा करना पड़े आप कर दीजिएगा। यहाँ 60 कैसे बनेगा, 12×5=60 होता है ना, तो अंश हर में 12 से गुणा करेंगे, इसका 12 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या होगा 12×2=24 होगा, बटा में 60 आ जाएगा, ये काम हुआ। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, हर में अगर 60 बनाना है तो 20 किया 60 होगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3×9/20=60 होगा, इतना बन जाएगा। तीसरा जो आपके पास है यहाँ 15×60 4 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 4×7=28 होगा, बटा में 15×60 हो जाएगा, ठीक है, तो इतना सा कर पाएंगे हम लोग। अब आप देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लासा बनाकर, सब में क्या हुआ लासा बनाकर, हर का जो लासा था तीनों का वो लासा के बराबर सबका मान करने के लिए मैंने गुणा किया, दोनों आंसर में सब में गुणा किया अलग अलग पदों से। अब यहाँ हर का मान सब में क्या हुआ बराबर आ गया, अगर हर का मान सबका समान है, हर का मान अगर सभी में क्या है, ये हर के मान बराबर है, तो क्या होगा अंश का मान में जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। अंश का मान बड़ा कौन सा है, ये 28/7 है, इसका मतलब 7/15 क्या था बड़ी भिन्न थी, और छोटी भिन्न यहाँ पर 3/20 बन जाएगी, ये बात और ये व्यवस्था थी। ऐसे आप सवालों को लगा सकते हैं, कभी भी किसी भी सवाल को लगाना हो इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप बड़े आराम से काम कर पाएंगे। तो शिद्दत से समझा करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी अनुशासन में नहीं रहते हैं, आप किसी, अगर आप जिम्मेदार रहेंगे तो आप समझ पाते हैं मोबाइल फोन के पीछे से भी, अगर आप थोड़ा जिम्मेदारी से बढ़ते काम तो जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए आप थोड़ा सा जिम्मेदार बन के पढ़ाई किया कीजिए। फोन के पीछे बैठे हैं तब भी आप एक ही बात को गौर करेंगे कि आप जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई करिए, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्या कर पाएंगे, भिन्न का छोटा बड़ा दिखाने का जो चक्कर होता है कई रूपों में होगा, अंश का मान हर का मान बराबर होगा तब भी करेंगे, अंश का मान बराबर होगा तब भी करेंगे, अगर बराबर ना होगा तब कैसे करते हैं, लासा विधि से हर के मान को बराबर करते हैं फिर काम करेंगे, हम लोग का अपने आप दिख जाएगा। और दूसरा तरीका यहाँ पे होगा, इसका भाग करेंगे, भाग करेंगे दशमलव के रूप में, दशमलव का भाग में जो मान बड़ा सो बड़ा, जो छोटा सो छोटा, इस तरह से लगाते हैं सवालों को, ठीक है, ये चीज था आपके लिए। यहाँ पर देखिएगा, अभी एक टॉपिक और है जो बच रहा है,
इसको भी कवर करते हैं। इसमें पहले भिन्न के केस में यहाँ दशमलव भिन्न जब भी आया करता है, दशमलव प्रसार जब आता है, यहाँ पर एक नया टॉपिक और मैं बताने वाला हूँ। नया क्या, ये अगर बताऊं तो हाई स्कूल में मिला करता है, 9-10 की दोनों क्लास में संख्या पद्धति के चैप्टर में मिला करता है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता ही देता हूँ इसका अहम रोल रहता है। बहुत सवालों में कभी कभी ये सब टॉपिक आते हैं तो मतलब परेशान कर देते हैं, सवाल गलत कर देते हैं, उत्तर नहीं मैच करता है। ये सब यहाँ जो विसंगति आती है उसका मैं क्लियरिटी के साथ उत्तर देने वाला हूँ आपको। जैसे जो जो दशमलव भिन्न होता है हमारे पास, कौन सा भिन्न, जो दशमलव भिन्न होता है उसमें क्या होगा, आवर्त दशमलव भिन्न होता है, आवर्त दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न ये चीज होगा। तो इसमें क्या होगी, इसमें सबसे खास बात जो होती है, ये बनता कैसे मैं आपको दिखाता हूं एक करके। जैसे यहाँ पे दो है और छह से भाग करना हमको, ठीक है, छह को भाग करेंगे, छह से भाग करेंगे दो को, दशमलव है जीरो बढ़ाइएगा और छह तीन अठारह होगा, 18 दो 20 हो जाएगा, दो है अभी, अब फिर से आप दशमलव बढ़ाए हैं, पहले बढ़ाए हैं जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और 6 तीन 18 बनेगा, फिर दो आएगा दशमलव बढ़ाते जीरो आएगा, 6 तीन 18, इस तरह से आप काम करते जाएंगे कभी भी आपका मान नहीं आएगा, और 3-3 ऐसे आगे लगातार आता जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो लिखते हैं लोग 0.3 पे बार लगाते हैं। तो दशमलव के प्रसार में, दशमलव के प्रसार में कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, बार बार वही आ रही हो, उसे आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं या फिर आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और उस केस में यहाँ पर जो संख्या बार बार रिपीट हो उस पर क्या लगाते हैं, बार। यहाँ तीन एक ऐसी संख्या है केवल तीन ही बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए तीन पे क्या लगाएंगे, एक छोटी सी कड़ी लगाते हैं, इसे लाइन ब्रेकेट या बार कह रहे होते हैं। अब इस बार के लगाने से क्या होता है, यहाँ पे जो बार लगा है इसका मतलब यह है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, आवर्ती प्रसार है दशमलव का, ये चीज इसको शो कर रही होती है यहाँ पे। और इसमें दो रूप होता है, हमको क्या मिलेगा, एक आवर्ती रूप में दो चीजें यहाँ होती है, जैसे एक शुद्ध होता है, एक यहाँ पे मिश्रित होता है, एक शुद्ध दशमलव आवर्त भिन्न होता है, एक मिश्रित होता है। शुद्ध में क्या मिलेगा आपको, जैसे कोई मान है 0.4 या 3 पे बार ही लगा लीजिए, 3 पे बार है, या फिर 0. क्या है, 4-5 पे बार है, 4-5 दोनों लगातार बदल रहे हैं, दोनों के दोनों क्या रिपीट हो रहे हैं, 4-5 ऐसे लगातार आता जाएगा, या फिर 0.1010 ऐसे ही आ रहा हो तो 10 पे बार लगा देंगे। ऐसा कुछ सेगमेंट अगर बन रहा हो तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा शुद्ध प्रसार है या शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, इसको हम लोग शुद्धता के नाम से देते हैं, शुद्ध कहते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अगर दूसरा यहाँ पे इस रूप का होगा, जैसे अगर दशमलव के तुरंत बाद आवर्ती प्रसार आ जाए या फिर बार बार आने वाली संख्याएं आ जाए, दशमलव के तुरंत बाद बार बार आने वाली संख्याएं आ जाए जिसकी रिपीटेबिलिटी हो, जिसका जो बार बार रिपीट हो रहा हो, उसे हम लोग शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि दशमलव बाद कोई एक आध अंक आ जाए, एक आध दो अंक का गैप हो जाए और उसके बाद रिपीट होने वाली संख्या है, उस समय के जो प्रसार होते हैं उसे मिश्रित आवर्त दशमलव प्रसार कहते हैं या फिर दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 0. क्या होगा, 4-5-3 पे बार लगा दीजिए, यहाँ 5-3 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, लेकिन यहाँ 4 नहीं हो रहा है, इसलिए एक अंक छोड़कर, एक अंक छूट गया उसके बाद अगर कोई संख्या रिपीट होती है, इसे हम लोग मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ये नई चीज आपको देखने को मिल रही है, बाकी फिलहाल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। 0.4 या फिर कुछ भी ना कह देंगे, 8 है और 3-5 पे बार लगा देंगे, 3-5 बार बार रिपीट होगा बट 8 नहीं होगा, 8 यहाँ बच जाएगा। ये सब जो शर्त मिलते हैं, ऐसे जो कंडीशन होगी, इसे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और अगर दशमलव संख्या के तुरंत बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसे शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ये चीज यहाँ पे आप समझिएगा। और ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा काम, एक छोटा सा यह होता है काम हमारे पास, मैं बता रहा हूँ एक सेकेंड, काम में यहाँ करते हैं कि यहाँ पर कभी भी जैसे कोई संख्या 0.3 ही लिखा है, 3 पे बार है, इसको हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार 0.333 जितनी बार चाहे लगा सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से। जब भी हमारे पास जरूरत होगी ऐसे कि ऐसा करना ही है या यहाँ मान कम पड़ रहा है, तो आप जरूर ऐसे इसका प्रयोग करेंगे, प्रसार करेंगे और बात को सही व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। ये कुछ था दोस्तों आपके क्लास का, यहाँ पर मिश्र भिन्न या फिर भिन्न के बारे में सब कुछ, ओवरऑल यहाँ पे भिन्न के बारे में जो आपको यहाँ पढ़ना है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रिपरेशन के दौरान में, जो भिन्न आपको जिस लेवल का परेशान करता है, भिन्न जहां जहां से आया करता है, वहां के बारे में मैंने सब कुछ डिस्कस किया हूँ। अभी की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नई क्लास में आपको फिर से मिलने वाला हूँ। नई क्लास में मैं आपको भिन्न के सवालों को सिखाऊंगा, भिन्न में किस टाइप के सवाले आएंगे, यहाँ पे
किसी भी भिन्न को आवर्त रूप मतलब उसको आरोही रूप में लिखना, अवरोही रूप में लिखना, छोटा भिन्न बड़ा भिन्न निकालना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग तैयार रहिएगा भिन्न को एक अलग लेवल का पढ़ने के लिए, बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन आ रहे हैं और अपनी तैयार, और यहाँ पे यूपी पुलिस की भी वैकेंसी के लिए भी आपको अभी एकदम तैयार रहिए जी जान लगा के। आपके लिए पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ मैथ का, एग्जाम से पहले मैं मैथ का कवर कर दूंगा सिलेबस, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो रही है, तेजी से काम करेंगे थोड़ा सा, और हल्का सा मौसम भी हल्का ठंडा आ रहा है धीरे धीरे, अब क्लासे भी आपकी बड़ी लेने लगूंगा और सारा काम सही से होने लगेगा। फिलहाल मिलते हैं फिर से नई क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट में जय हिंद लिख दिया करें, इससे काफी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।